उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पिछले कुछ दिनों लूट की घटनाओं में तेजी से जिले के पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। जो चाहे 10 जून को थाना सलेमपुर में नवलपुर के पुलिस चौकी के पास 1,14,000 की लूट की घटना हो या 12 जून देवरिया गोरखपुर रोड पर स्थित ओरिएंटल बैंक के सामने से 1,00,000 की लूट की घटना को अंजाम देने वाले साथ गोरखपुर और महाराजगंज में कई घटनाओं को अंजाम देने गिरोह को जनपद की पुलिस एक स्वैट टीम को सूचना मिली कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सोनू घाट के पास लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ समय में इधर से गुजरने वाले हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस और स्वैट टीम की चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक वाहन से 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया गया तो गाड़ी को घुमाकर भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें रोका तो पीछे बैठा एक आरोपी ने हथियार निकालकर पुलिस वालों पर फायर कर दिया और भागने के चक्कर में गाड़ी फिसल गई और आरोपी वहीं गिर गए, जिन्हें पुलिस टीम ने धर दबोचा। जिनके पास से 3 देसी तमंचा, 2 कारतूस, 1 खोखा, 4 किलो गांजा उनके पास से बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना पूर्व में लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जून महीने में नवलपुर थाना सलेमपुर के अंतर्गत स्थान है, वहाँ एक व्यक्ति ने बैंक से रुपए निकाले और वो वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर चला गया। वहाँ चपट्टा मार करके काले रंग की पल्सर से साथ लूट की घटना हुई थी। इसी प्रकार ये घटना कोतवाली क्षेत्र में देवरिया में बैंक से पैसा निकाल कर एक आदमी जा रहा था, उससे चपट्टा मार के छीन ले गए थे। इन दोनों घटनाओं का आज अनावरण हुआ है, इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये अभियुक्त कोड़ा जनपद कटिहार के रहने वाले हैं और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि आसपास के शहरों में किराए पर रहते हैं। इन्होंने ये कुछ दिन गोपालगंज में रहे, कुछ दिन और जगहों में आसपास के जनपदों में रहे, यहाँ रहे और ये घटना करने के बाद तुरंत स्थान बदल देते हैं। इन्होंने यहाँ की 2 घटनाओं का, इसके अलावा महाराजगंज की 1-2 घटनाओं का, गोरखपुर की घटना का और गोपालगंज की अनेक घटनाओं का इकबाल किया है। इनके पास से कैश बरामद हुआ है, 3 तमंचे बरामद हुए हैं, काले रंग की पल्सर जिसे ये घटना करते थे वो बरामद हुआ है और ये सब नशा पत्ती वाले भी हैं, इसलिए इनके पास से गांजा भी बरामद हुआ है। आज इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसमें स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम ने अथक परिश्रम करके इसको साइंटिफिक तरीके से इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। पूरी टीम को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया है और इनमें 1-2 अभियुक्त जो और संदेह के घेरे में हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी।